नेक्स्ट है दोनों की अलग अलग रहना स्टोरी, सेम स्टोरी नहीं रहना। कोई एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आप लोगों के बचपन में, छोटी स्टोरी जो बचपन में सुनाए थे अभी तक याद है, बचपन में सुनाए थे अभी तक याद है। हमारे पास जो है ना मध्य प्रदेश के, हम लोग पहले मध्य प्रदेश दूसरे नंबर बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग से हम लोग फिर बड़े घर में शिफ्ट कर दिए उसमें 14 रूम्स थे राइट। वो घर के ताल्लुक से मशहूर था कि हमारे घर में शैतान आ रहे थे और जो भी आया जल्दी मर जाता, वो नए जो घर में जो है मल्ला बनेगा, जो भी आया मर जाता, वो मशहूर था। कई बार तो शादी खाना यूज हुआ, स्कूल यूज हुआ। अच्छा, तो वो घर का हम लोग शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे बीच पे जो है कॉरिडोर था, इधर भी जुड़ा था, इधर जुड़ा था। तो मेरे को हमेशा ये डर लगता था कि मेरे को यहाँ बीच में पकड़ लिया, बीच में दोनों दरवाजे बंद होने के बाद, नहीं दोनों दरवाजे जाना पड़ रहा था। तो वहाँ से भागता था मैं, अच्छा हमेशा भागता था, ये थोड़ा सा वो था। अरे उसके अलावा और उस वो देख मैं जो है एक मतलब खादा ही घर में रहता था, खादा ही घर में रहता था, तो मैं चिक देने करा लिया था हेल्प सेव कर लिया था, हेल्प सेव कर लिया। तो हमारा खलेरा भेज पहले शाही मंदिर के पास गया, हमारे खलेरा भेज पास जाते नोनाली तो क्या भय में गिरा, तुझे क्या करा मेरे को खड़ी बोल के गाती भाई खड़ी लगा दिया पूरी छत पे खड़ी पे खड़ी हाथों पे खड़ी स्लीव जस लोखा बना दिया। अब उस जमाने साइकिल पे आते करना तो साइकिल पे जाए तो जो भी जा रहा चार संदिल से हम अपना चार संदिल तक उठाने गया था उसका रास्ते में जो भी देख रहा हमको देख के भाग रहा। तो हम लोग क्या उन्हें क्या बोला खाना के पास जाएंगे बड़ी खाना के पास मैं तू बाहर खाए अंदर जाते वहाँ पर उनके घर में घुसते एक उनके पास काम करने वाली क्वेश्चन भी अंदर जो भी आते ना अंदर आते दवा रह गया। तो उन्होंने मटीन क्या बोला थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ आके सर क्वेश्चन भी अंदर आती मेरे जो उसको बताने के वास्ते जब मैं गया उन्हें किचन में गए जब हर दूस उठ के आके मैं दरवाजा खोलो तो अंदर आ जा अंदर आके डरा हुआ। तो मैं गया दरवाजा तो मैं गया मैं कैसे गया मैं ऐसा जाती दुमना चीखा मारी ऐसे चीखा मारी ऐसा चीखा मारी मैं भागा घर के क्या भागा साइकिल से बच्ची से भाग के आया खाली जाए भाग के बढ़ी समझ रही समझ लीजिए एक साथ चीखा मारी पेड़ से उसके बाद बुखार है कौन सी तीन चीजें जिसके बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते? कपड़ों का चढ़ के भी पर्स है आजकल तो जरूरी है, वॉलेट है, फोन, वॉलेट है, कार, फोन, कार की चाबी, ओके, कुछ भी एक स्कूल या कॉलेज का किस्सा जो अच्छा है जो हम लोग सुना सकते हैं। एक मतलब क्या हो मैं सेवेंथ में सेवेंथ क्लास में मैं क्लास में था हमारे वालिद साहब मोहम्मद कोची साहब आए कोची साहब आते स्कूल में आते और वालिद साहब तो नए सीधे आए थे आते जीवन साहब के जगह बोलो सर था उन्होंने बोला ट्यूशन लेता था हरेक के हरेक से ट्यूशन मैं ट्यूशन नहीं लेता क्या ट्यूशन लेते ट्यूशन ले गया। तो जैसे ही हमारे वालिद साहब आए आते बोलते हैं आपका बच्चा है आपका बच्चा इतनी शरारत करता है बुक्स इधर से उधर लेके फेंक देता यहाँ जाता वहाँ जाता कभी दिखता ही नहीं क्लास में। तो वालिद साहब क्या बोला उठो बोले इधरा बोले भागते आओ भागते जाके बाबा के घुटना जब छोटा था ताकि न पड़ गया जाना करके वालिद साहब हमारे थे सर को बोले आज मेरे को इतनी खुशी हुई मेरे को अब मालूम पड़ा कि मेरा बच्चा शरारत भी करता हूँ। तो रुच चले गए बिल्कुल लेके साथ लेके चले गए अब मैं इसको लेके जाता हूँ हमारे वालदे के पास
और उसके बाद में जब मैं सेकेंडरी स्कूल में गया था, आओ शरीर साहब तुम्हें बाबा को तमन्ना है कि तुम सुनाते रहो, उससे पूरा मशहूर हो गया था स्कूल। हाँ मम्मा आपका कुछ भी किस्सा सुनाइए स्कूल का कॉलेज का। स्कूल को एक्सप्रेस भी जाते थे तो ऑटो वाला आया तो बैठ गए तो सियाम वाला कहाँ जा रहा तू बोल के पूछा मेरे तो बोला स्कूल को जा रहा और कहाँ जा रहा हूँ बैग को लेके जाते बोला घर में था।